नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक गो भारत पर। मैं आपका साथी भवानी सिंह आज आया हूँ मित्रों, मैं पाली जिले में सुमेरपुर, और मेरे साथ है श्री नार सिंह जी जोधा, जो एक गोपालक भी है और साथ में मारवाड़ी अश्वपालक भी है। तो जो आपकी जो काऊ फार्म है, जो गिर गायों का, उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। स्वागत है हुकुम, खमागणी हुकुम, खमागणी हुकुम। तो हुकुम, जो गिर गायों के साथ में, जो देसी गायों के साथ में आपकी जर्नी है, वो कब शुरू हुई और कैसे हुई? लगभग 4 वर्ष हो गए मेरे को ये गिर गाय का, ये जो गो फार्म जो मैंने प्रारंभ किया है, तो 4 साल हो गए मुझे। मेरे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनके मार्गदर्शन से मैंने ये काम शुरू किया। उनका आग्रह था कि मेरे पास में जमीन, यहाँ शहर में जमीन थी, तो उनका आग्रह था कि आपको, आप जैसे लोगों को गोपालन का काम शुरू करना चाहिए, और उसकी उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये काम शुरू किया है। तो ये गायें हुकुम आपने जैसे राजस्थान से ही परचेज की या फिर गुजरात से लाए? गुजरात से ही है। अच्छा, सारी गायें लगभग। तो वर्तमान में अभी आपके पास कितना गोधन है हुकुम टोटल? छोटे मेरे पास छोटे और बड़े मिलाकर के 40 जानवर। तो अब ये हुकुम जैसे आपका मेन ब्रीडिंग के पर्पज से है या जैसे अपने लोकल सेल में प्रोडक्ट्स भी अपने होते? ब्रीडिंग तो मैं साथ में कर ही रहा हूँ। मेरे पास में जो बुल है ये मैं गुजरात से लाया हूँ। अच्छा। ये बहुत अच्छी नस्ल का बुल है, और साथ साथ में मेरी ये इच्छा भी रहती है, क्योंकि ये बात तो सही है कि आखिर में एक आदमी गाय कितनी अपने पास रखेगा। ब्रीडिंग होगी तो यहाँ जो कृषक हैं, जो एक गाय रखना चाहता है, दो गाय रखना चाहता है, उनको यहीं पर अच्छी नस्ल की गिर की गाय मिल जाएगी। तो ब्रीडिंग के साथ साथ में अगर अच्छी ब्रीड की गाय कोई किसान लेगा, तो फिर कल जा करके उसका दूध भी अच्छा मिलेगा, तो कभी भी वो गाय घाटे की नहीं रहेगी। तो जैसे अभी यहाँ पे जो सुमेरपुर है, एक इतना बड़ा भी शहर नहीं है जी, तो यहाँ पे जैसे अपने आपको क्या लगता है हुकुम के, जैसे सिर्फ मिल्क से ही इनका खर्चा आराम से निकल जाता है और ब्रीडिंग आपकी प्लस में रहती है? ये सारी एक बहुत बड़ी गणित है सर, और गाय कभी घाटे का सौदा तो हो नहीं सकता। हम इसके सारे जो गाय से जो जो चीजें हमको मिल सकती हैं, उन सब चीजों का अगर हम उपयोग करें तो सुमेरपुर कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर खेती बाड़ी का बहुत अच्छा स्कोप है। पास में जवाई बांध है, उसमें पानी आता है, तो सिंचाई का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है यहाँ, तो गाय को भी घाटे का नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि अगर किसान इस क्षेत्र में काम करें तो गाय निश्चित रूप से फायदे की चीज है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, आजकल जैसे हर कोई चाहता है कि गिर गाय लूं जी, तो इस बारे में जो नए गोपालक है उसको आप क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि वो गिर पे जाए या कोई और ब्रीड पे जाए? मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से सरकार ने गिर गाय पर बहुत मेहनत की है, उस पर शोध भी हुआ है, रिसर्च हुआ है, तो गाय, गिर गाय का के बारे में, उसके दूध के बारे में, उसके गुणों के बारे में, ये सारी चीज़ों की प्रचार प्रसार खूब हुआ है, इसलिए आपको मार्केट में इन चीज़ों का फायदा निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अपने देश की जो देसी नस्ल की जो गाय हैं, वो थारपारकर भी हो सकती है, वो साहिवाल भी हो सकती है, राठी भी हो सकती है, कांकरेज भी हो सकती है, अपने देश की सारी गायें वो लाभकारी है और अच्छी गाय होती है। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग क्लाइमेट होता है, कोई गाय के अंदर ज़्यादा ये गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, कुछ में कम होती है, लेकिन सारी गायें समय के साथ में एडजस्ट हो जाती हैं। गिर में थोड़ा सा दूसरी गायों की तुलना में फायदा ये है कि ये लंबे समय तक दूध देती है, लैक्टेशन पीरियड लंबा होता है। बिल्कुल,
और बहुत कम समय ये ड्राई रहती है। तो वो जो ड्राई पीरियड में जो खर्चा आता गाय के चारे पानी का, वो इस गाय पे थोड़ा कम होता है। दूसरा, दूसरी गायों की तुलना में इसका फैट जो है वो ठीक होता है। वैसे अपन भैंस और गाय की तुलना नहीं करेंगे अभी, ये बहुत अलग चीज़ है, उसमें अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी गायों की अगर अपन बात करें तो उनकी तुलना में गिर गाय का फैट अच्छा होता है। ये मार्केट में आपको फिर मार्केटिंग करने में सुविधा रहती है, और सरकार ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी है, तो वो फायदा भी गिर गाय के साथ है, वो दूसरी गायों के साथ नहीं है। मतलब राजस्थान और गुजरात जो एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे गिर एडेप्टेबल है, गिर का कोई समस्या नहीं रहती है, ऑलमोस्ट सेम वेदर कंडीशंस रहती है। लेकिन जैसे मेरे पास भी कई बार बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन एक सुदूर एक हिमाचल या जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति गिर जाता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ठीक भी नहीं उस क्लाइमेट के हिसाब से। लोग क्या है कि जो गर्मी की तुलना है वो टेम्परेचर में करते हैं, लेकिन टेम्परेचर के अलावा भी कई चीज़ें मायने रखती हैं। तो आपका हुक्म ये एक्सपीरियंस क्या कहता है हुक्म, जैसे राजस्थान में तो हमें कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन जैसे अगर कोई हिमाचल प्रदेश, गुजरात या वेस्ट बंगाल में, हालांकि वेस्ट बंगाल का भी टेम्परेचर सेम राजस्थान जैसा रहता है, लेकिन टेम्परेचर और हीट जो कंडीशंस होती है उसमें रात दिन का फर्क होता है। तो उनके लिए मतलब आपका क्या मानना है कि जैसे मतलब काउ ब्रीडर, आप उनको क्या सलाह देंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और वास्तव में यह है कि अपने को किसी भीड़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये केवल गायों की बात नहीं है, ये अश्व में भी आता है ऐसा कैसा मामला, और बाकी सारी चीज़ों में भी। हर नस्ल के बारे में उस क्षेत्र के साथ में उसका संबंध जुड़ा हुआ है, और वो ब्रीड वहाँ जो इजी गोइंग वो ब्रीड वहाँ डेवलप हो जाती है जिस एरिया की वो नस्ल है। लेकिन आजकल पुराना वाला कल्चर गांवों का भी नहीं रहा। पहले गाँव में हर घर से गाय रहती थी और सब सामूहिक रूप से गाय चरने के लिए जाती थी। अब न तो इतनी जमीनी रही लोगों के पास में, न इतनी बड़ा खेती का काम रहा है। आजकल तो डेयरी फार्म के रूप में लोग चलाते हैं, छोटी सी जगह होती है उसमें ही बंदी रहती है सुबह से शाम तक गायें। तो ब्रीड डेवलप करने में तो दिक्कत जो आप कह रहे हो, दूसरे प्रांतों में जब जाती है तो वहाँ ब्रीड डेवलप तो नहीं हो सकती, ये तो मेरा मानना है। लेकिन डेवलप गाय अगर वो लेके जाते हैं तो उसका अच्छी मात्रा में दूध वगैरह, ये अगर सेवा करता है कोई व्यक्ति तो दूध की मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी। वो प्रॉपर डेवलप यहाँ हो जाए और फिर खरीद करके लेके राजस्थान और गुजरात से कोई लेके जाता है गिर गाय आए तो उसको फायदा होगा। ब्रीड डेवलपमेंट में निश्चित रूप से, क्योंकि ब्रीड में गाय को क्लाइमेट का भी बहुत फर्क है, उसके शारीरिक बनावट जो होती है उसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर होता है। यस। और लास्ट क्वेश्चन हुकम, जैसे आप ये आपका गोदन है हुकम जी, इसमें जो आपका फॉडर मैनेजमेंट क्या है, मतलब मेनली आप जैसे फॉडर क्या देते हैं? मेरे इनको तो वैसे मैं, मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि उनको जैसे दूध वाली और बिना दूध वाली आपको केयर तो सबकी करनी पड़ेगी। और ये लंबे समय तक दूध देती है तो जो पीरियड होता है ड्राई पीरियड होता है वो बहुत कम पीरियड होता है, डेढ़ दो महीने का होता है। तो डेढ़ दो महीने का वो पीरियड होता है जिसमें डेढ़ दो महीने बाद में गाय वापस ब्याने वाली होती है, बछड़ा बछड़ी देने वाली होती है। तो वो उस पीरियड में भी वो कमजोर नहीं पड़े तो हमको उस समय भी कुछ ना कुछ उसको दाना पानी देने की आवश्यकता रहती है। और जब दूध देती है जब तो उनको निश्चित रूप से अपने को दाना पानी देना है। तो इसमें दाना पानी में कुछ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें केवल एक चीज आप अगर बढ़ाओगे उससे काम संतुलित डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा गाय का, और दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। तो दूध की मात्रा बढ़े, उसमें फैट भी बढ़े, ये सारी और क्वांटिटी भी बढ़े, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको उनको वास्तव में जो मिनरल्स की आवश्यकता रहती है वो मिनरल्स भी समय समय पर गाय को मिलने चाहिए। जैसे दूध निकलता है, दूध निकलने से उसका कैल्शियम की मात्रा शरीर में कम होती है। जब दूध गाय देती है या कोई भी दूसरा जानवर भी दूध, जैसे घोड़ी भी अगर ठाण देती है और जब तक उसका बछड़ा या बछड़ी उसको दूध पीती है तो वो कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होती है।
उसकी आपूर्ति कैसे करनी है, तो आपको ऊपर से उसको खाने पीने के साथ में उसके कैल्शियम की मात्रा आपको ऊपर से देनी चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए जैसे ग्वार वगैरह है, तो ग्वार ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं देसी उसमें कि ग्वार जितना अपन खिलाएंगे गाय को तो दूध की क्वांटिटी बढ़ती है उससे। कपास खिलाओगे उससे फैट बढ़ती है, तेल देने से उसकी ताकत और शाइनिंग बनी रहती है। तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब मिला करके एक संतुलित आहार हर दूध देने वाली गाय को देना होता है। दूध देती है तब भी नहीं, अब दूध नहीं दे रही है मान लो, तो आपको दूध मात्रा बढ़ाने का विषय नहीं आता, कैल्शियम वाला विषय नहीं आता है, लेकिन उस समय भी उसकी ताकत बनी रहे ताकि ग्यावन के समय जब गाय बछड़ा बछड़ी देती है ना, ब्याती है, उस समय वो कमजोर नहीं पड़े। तो वो आर की प्रॉब्लम ऐसे अक्सर जानवरों में होती है, बच्चादानी बाहर निकल जाती है। तो उस समय आपको क्या करना होता है कि ब्याने के लगभग 1.5 महीने का जो पीरियड होता है, 1.5-2 महीने का पीरियड, उसमें उसको जौ जैसी थोड़ी मात्रा में जौ दे करके उसकी ताकत पर, उसकी ताकत कमजोर जो उसकी कमजोरी है, उसको कमजोरी को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत।